चार थाना क्षेत्रों में लॉकडाउन लगने के बावजूद सड़कों पर चहल पहल दिखाई दी, जिसके संबंध में एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर क्षेत्र के 3 और देहात क्षेत्र के 1 यानी कुल 4 थाना क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए पुलिसकर्मियों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। चारों थाना क्षेत्रों में सभी दुकानें बंद हैं। लॉकडाउन को सफल बनाने में लोगों का सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अनावश्यक घर से बाहर न निकले। लॉकडाउन एरिया में दूध और सब्जियों की अनुमति है जो कि लोगों तक पहुँच रही है। सभी लोग आरोग्य सेतु ऐप्स का प्रयोग करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें एवं मास्क का प्रयोग करें। स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी तरह की समस्या होने पर अपने नज़दीकी अस्पताल से संपर्क करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने कहा, डीएम साहब के आदेशानुसार नगर क्षेत्र के 3 और देहात के 1 थाने, कुल 4 थानों में लॉकडाउन, आंशिक लॉकडाउन का घोषणा की गई है। उसी के अंतर्गत पुलिस द्वारा तथा मिनिस्ट्रेसी द्वारा ड्यूटियां लगा के अलग अलग जगह पे लॉकडाउन की व्यवस्था को बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों से लगातार अपील भी की जा रही है और लोगों से सहयोग भी मिल रहा है। सभी दुकानें पूर्णतया बंद हैं, मगर क्योंकि आसपास के थानों में भी दुकानें खुली हैं तो लोगों का थोड़ा आवागमन है, उसको नियंत्रित करते हुए लॉकडाउन का अनुपालन करवाया जा रहा है। सर, आवश्यक सामानों की आपूर्ति कैसे? आवश्यक सामानों की आपूर्ति के लिए लोग निकल भी रहे हैं और ले भी ले रहे हैं। आवश्यक आपूर्ति के सामान लोगों ने कई हद तक अपने अपने घरों में रख भी लिए हैं, तो उस प्रकार की कोई आवश्यकता की दिक्कत नहीं आ रही है। लोगों के घर तक दूध और सब्जियाँ भेजने की अनुमति प्राप्त है, तो ठेलों के माध्यम से उनके घर तक सामान पहुँच रहा है। डोर टू डोर डिलीवरी भी हो रही है। अनावश्यक घरों से ना निकले, मास्क का प्रयोग, सामाजिक दूरी का प्रयोग, आरोग्य सेतु ऐप का प्रयोग करें और अगर कोई दिक्कत आती है तो निकटतम अस्पताल से संपर्क करें।